एक बहुत ही हर्ष की बात है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई और उस मीटिंग में से जो एक सार निकल के आया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को एकदम ग्रासरूट स्तर पर फिर से मजबूत करना है और एक सशक्त विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा करना है, और यह सब तभी संभव है जब एक बार फिर से राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो हम चाहते हैं, सभी नेताओं की इच्छा है, बल्कि हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेतागण हैं और जितने भी कार्यकर्तागण हैं उसमें लगभग सभी चाहते हैं कि राहुल जी अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी का। हम सब भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, मुंबई में हर कार्यकर्ता चाहता है। तो अब समय आ गया है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने और कांग्रेस का नेतृत्व आने वाले लोकसभा चुनाव तक हमें अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से करें। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार करने और उनके अधीन काम करने के लिए तैयार। संभवतः जनवरी के आखिर में या फरवरी महीने में कभी कांग्रेस अध्यक्ष के पद का चुनाव होने वाला है, और चुनाव अगर कराने की इतनी जिद है तो बेशक चुनाव हो और उस चुनाव में राहुल गांधी जी अवश्य उतरे अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। और एक बार राहुल गांधी जी उतरते हैं और किसी और को भी उतरना है तो उतर सकता है, और उसके बाद हमारा ऐसा विश्वास है कि बड़े पैमाने पर राहुल गांधी जी को वोट मिलेगा और वो एक बहुत ही सशक्त तरीके से उभर कर आएंगे और एक बार चुनाव जीत करके कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की जो खोई हुई अपना खोया हुआ अपना गौरव और वैभव है एक बार फिर से हम प्राप्त करेंगे और नए सिरे से जो जन सामान्य की सेवा करने का जो कार्यक्रम कांग्रेस का रहा है, जो गरीब लोगों के लिए, जो SC ST और माइनॉरिटी और जो भी मजदूर और किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए जो एक अच्छी योजनाएं कांग्रेस के लिए एक बार फिर से हम लागू करेंगे और हिंदुस्तान में एक अमन चैन का वातावरण रहेगा, जाति भाषा और मजहब के आधार पर जो एक भेदभाव का और जो एक जहरीला वातावरण बन गया है इस देश में वो वातावरण खत्म होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9।